दुबई में 10 नौजवानों की रिहाई के लिए पंजाब सरकार दो कैबिनेट मंत्रियों की टीम भेजेगी दुबई। फीस वृद्धि पर प्राइवेट स्कूलों पर नकेल के लिए अथॉरिटी का गठन, पंजाब कैबिनेट के अहम फैसले। आज बठिंडा एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल। दिल्ली से आने वाली पहली फ्लाइट से आएंगे उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल, केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू। पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर एक बार फिर साधा निशाना, कहा आम आदमी पार्टी को पहचान चुके हैं लोग, साथ ही 84 के सिख विरोधी दंगों को लेकर कांग्रेस को कोसा। शनिवार को अपने विधानसभा क्षेत्र जलालाबाद में रहे उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल कई परियोजनाओं के उद्घाटन किए, विकास का हवाला देकर जलालाबाद की जनता से की विरोधियों को करारा जवाब देने की अपील। तरन तारण के हरीके पतन में पानी पर चलने वाली बस यानी डक बस के ट्रायल की तैयारी करीब करीब पूरी, उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल की मौजूदगी में आज हो सकता है ट्रायल, शनिवार को दूसरी बार स्थगित हुआ ट्रायल। लोक इंसाफ पार्टी के नेता बैंस ब्रदर्स की लुधियाना में आज पहली रैली, रैली में अपने 5 उम्मीदवारों के नामों का कर सकते हैं ऐलान। लुधियाना के आत्मनगर हल्के से सिमरजीत बैंस और लुधियाना साउथ से बलविंदर बैंस लड़ सकते हैं चुनाव। नवजोत कौर सिद्धू और प्रगट सिंह ने कांग्रेस इनके कांग्रेस ज्वाइन करने पर सिमरजीत बैंस ने साधा निशाना, बोले कांग्रेस ही ज्वाइन करनी थी तो सिद्धू ने बीजेपी और प्रगट सिंह ने अकाली दल क्यों छोड़ा। फिर बदला हंसराज हंस ने पाला हाथ का छोड़ा साथ, बीजेपी में हुए शामिल, बोले प्रधानमंत्री मोदी से प्रभावित, कहा पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे निभाऊंगा। हंसराज हंस के एक बार फिर से पाला बदलने पर पंजाब में सियासी बयानबाजी शुरू, बीजेपी का बयान बिना किसी शर्त पार्टी में आए हैं हंसराज हंस, वहीं कांग्रेस ने कहा कोई फायदा नहीं। पंजाब में लगातार गरमाया हुआ है इस फाइल का मुद्दा, पटियाला से सांसद धर्मवीर गांधी की नजर में बहुत छोटा है इस फाइल का मुद्दा, राजस्थान को मुफ्त पानी दिए जाने को बताया सबसे बड़ी भूल। नाभा जेल ब्रेक के 15 दिन बाद भी जेल से फरार कैदियों में पुलिस की गिरफ्त में सिर्फ एक बाकी, बाकी का अभी नहीं कोई अता पता, मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल बोले बाकी कैदियों की जल्द होगी गिरफ्तारी, पुलिस कर रही है अपना काम। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की अपील, अगर आपके पास है कोई सूचना या सुराग तो पुलिस या जी पंजाब हरियाणा हिमाचल को सूचित करें। हरियाणा सरकार की विकास रैलियों का सिलसिला जारी, आज हिसार के उकलाना हलके में रैली को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, कर सकते हैं करोड़ों की घोषणाएं, जींद में भी कई योजनाओं के शिलान्यास का कार्यक्रम। शनिवार को सोनीपत के बरोदा हलके में रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, विकास रैली के दौरान हलके को बांटी करीब 150 करोड़ की सौगातें, कहा सभी हलकों का समान विकास है मकसद। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का कल हुआ समापन, कार्यक्रम में बतौर मुख्य मेहमान पहुंचे गृह मंत्री राजनाथ सिंह, साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल और राज्यसभा सांसद डॉ. सुभाष चंद्रा मौजूद रहे। हिसार में संपन्न हुआ 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव, समापन कार्यक्रम में प्रदेश के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने बतौर मुख्य मेहमान शिरकत की। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां, आज सोलन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की कार्यकर्ता रैली। सेना के एक मेजर ने हिमाचल सरकार के सीपीएस के निजी सचिव पर लगाए गंभीर आरोप, पर मुख्यमंत्री को लिखा खत, लेकिन मेजर का दावा प्रशासन से हर स्तर पर गुहार के बावजूद सीपीएस के निजी सचिव के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। नोटबंदी के बाद काले धन को सफेद करने वालों की मदद करने वालों को प्रधानमंत्री का अल्टीमेटम, कोई नहीं बचेगा, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में सभी दोषी होंगे जेल के पीछे। पंजाब और हरियाणा सरकार भी नोटबंदी के फैसले के साथ, पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का दावा, देश को मजबूत करने का काम कर रहा है नोटबंदी का फैसला। हरियाणा को कैशलेस स्टेट बनाने के राज्य सरकार की कोशिश को ग्रामीणों का भी मिल रहा है सहयोग, हिसार के टापड़ा गांव के ग्रामीण भी बड़े नोट बंद किए जाने की कोशिश को सराह रहे हैं।
संगरूर पुलिस ने किया 2000 के नकली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 4,15,000 की नकली करंसी बरामद। कई सेवाओं में 500 के पुराने नोट बंद, रेल, मेट्रो, बस और IRCTC फूड सर्विस में अब नहीं चलेंगे 500 के पुराने नोट। राष्ट्रपति भवन में ड्यूरेट्स एंड लीडर्स फॉर चिल्ड्रन समिट की शुरुआत, 15 से भी ज्यादा देशों के नेता और समाज सेवी शामिल, बाल मजदूरी और तस्करी के खिलाफ ग्लोबल मार्च। रियो ओलंपिक में देश के लिए पहला मेडल दिलाने वाली साक्षी मलिक के नाम पर बने रेसलिंग भवन का हुआ उद्घाटन, केंद्रीय खेल मंत्री विजय गोयल ने किया उद्घाटन। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का किडनी सफल ट्रांसप्लांट ऑपरेशन रहा, ये सफल रहा ऑपरेशन और ICU में किया गया शिफ्ट, एम्स के मुताबिक सुषमा स्वराज और उन्हें किडनी देने वाला दोनों स्वस्थ।